तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग के अपकमिंग अपडेट वन यूआई 5.1.1 के बारे में, जो कि आने वाले कुछ ही दिनों में सैमसंग के काफी सारे स्मार्टफोन्स के लिए सैमसंग रिलीज करेगा, इंक्लूडिंग S21 FE 5G। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि ये जो वन यूआई 5.1.1 का वर्जन है या फिर ये जो अपडेट है, ये तो सिर्फ फोल्ड या फिर फ्लिप के लिए था, बट ऐसा कोई सैमसंग की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था कि ये जो पर्टिकुलर वर्जन है ये फोल्ड या फिर फ्लिप के अंदर हमें देखने को मिलेगा। इन सारे स्मार्टफोन्स में काफ़ी टाइम पहले हमें देखने को मिला, तो इसी वजह से यूज़र ने एक सोच लिया था कि ये जो अपडेट है ये फोल्ड या फिर फ्लिप के अंदर ही देखने को मिलेगा। और जब मैंने इसके रिगार्डिंग काफ़ी समय पहले वीडियो बनाया कि UI 5.1.1 के अपडेट में हमें क्या कुछ नए फीचर्स देखने को मिलेगा, आप में से काफ़ी सारे यूजर्स ने भी उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया कि ये जो अपडेट है ये सिर्फ सैमसंग के फोल्ड एंड फ्लिप के लिए ही है। और सॉफ्टवेयर या फिर अपडेट के बारे में मैं आप लोगों को एक सच बता देता हूँ, जो कि आने वाले दिनों में आप भी इस चीज़ को रियलाइज कर पाओगे। देखो, जब भी कोई भी ब्रांड हो, अपना मान लीजिए दो प्रोडक्ट है, एक फोल्ड या फिर फ्लिप या फिर एक मान लेते हैं टैबलेट है, एंड अगर वो कोई भी सॉफ्टवेयर को रिलीज करता है तो दोनों के अंदर सेम वर्जन नहीं होगा, दोनों का नाम अलग अलग होगा। या फिर आईपैड के लिए आईपैड ओएस जिस तरह से एप्पल ने रिलीज किया है, या फिर शाओमी ने भी आप लोगों ने देखा होगा MIUI फॉर पैड, इस तरीके का नाम वहाँ पे वो लोग देते हैं। सेम नाम सेम टाइप की वर्जन आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, मे बी आने वाले दिनों में सैमसंग का जो फ्लिप या फिर फोल्ड है इसके लिए हमें अलग टाइप का UI देखने को मिलेगा, जो कि मेंशन होगा ये फोल्ड या फिर फ्लिप के लिए है। बट ये जो वन यूआई 5.1.1 का वर्जन था, यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं था कि ये सिर्फ फोल्ड या फिर फ्लिप के लिए है। और ये जो वन यूआई 5.1.1 का अपडेट है, ये US के अंदर कुछ यूजर्स को मिल भी गया है, S20 FE यूजर्स के लिए। बट यहाँ पे एक कैच है, कैच इस टाइप का है कि वन यूआई 5.1.1 का जो फीचर्स होगा ये सारे फोन्स के लिए नहीं होगा, मतलब कि सारे फोन्स में आपको एक ही टाइप का फीचर्स में भी ना देखने को मिले, अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग टाइप का हमें फीचर्स देखने को मिलेगा। जैसे कि नोट 20 सीरीज के लिए काफ़ी सारे फीचर्स हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि वाटरमार्क के अंदर डेट टाइम का जो स्टाइल है इसे आप अभी चेंज कर सकते हो। गैलरी के अंदर अगर आप कोई भी फोटो वीडियो को एडिट करते हो तो डायरेक्टली आप उसका सेटिंग्स को कॉपी करके, मतलब इफेक्ट का सेटिंग्स को कॉपी करके आप डायरेक्टली दूसरे किसी फोटो के अंदर डायरेक्टली पेस्ट कर पाओगे, जो काम अभी लाइटरूम के अंदर पॉसिबल है। रिमास्टर पिक्चर को और ज्यादा इम्प्रूव किया जाएगा, अब आप किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस ला सकते हो। सैमसंग हेल्थ को इम्प्रूव किया जाएगा, क्विक शेयर के अंदर हमें काफी सारे फीचर्स मिलेगा, डिवाइस केयर के अंदर हमें काफी सारे फीचर्स मिलेगा, हॉटस्पॉट के अंदर भी काफी सारे फीचर्स को ऐड किया जाएगा। जैसे कि अगर आप हॉटस्पॉट शेयर करते हो तो वन टाइम पासवर्ड आप चूज करके किसी को शेयर कर सकते हो, उन्होंने कितना डेटा को यूज किया है वो आप मॉनिटर कर पाओगे। और S21 FE की बात करूं तो यहाँ पे दो फीचर्स हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहला तो कॉन्टैक्ट्स का, अभी आप इंडिविजुअली कॉन्टैक्ट्स के अंदर जो बैकग्राउंड है उसका अभी आप चेंज कर पाओगे। वन UI मैसेजेस के अंदर भी कुछ और नए फीचर्स इंट्रोड्यूस होने वाला है। फोल्ड के अंदर बात करूं तो यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स सैमसंग इंट्रोड्यूस करेगा। तो इसी तरह से अलग अलग डिवाइसेस के लिए मे बी सैमसंग अलग अलग टाइप का फीचर्स को इंट्रोड्यूस करेगा, मतलब कि जिस फोन में जिस टाइप का फीचर सपोर्ट करेगा उस टाइप के फोन में उस तरीके का फीचर्स हमें देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप लोगों को फीचर्स के बारे में और डिटेल में जानना है तो मैंने काफी समय पहले इस वाले वीडियो के अंदर बात किया हूं, तो आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। नाउ एक्सपेक्टेड डेट के बारे में बात कर लेते हैं, और ये तो कोई भी ऑफिशियल नहीं है, तो यहाँ पे जो भी होगा ये एक्सपेक्टेड ही होगा कि इस हिसाब से ये तारीख को अपडेट हमें देखने को मिल सकता है। तो वन UI 6 का बीटा रिलीज हो चुका है इसी महीने सितंबर के महीने में। S21 FE यूजर्स को भी अगर आप बीटा में ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर पाओगे, इसी महीने सैमसंग ने भी रिलीज कर देगा। अक्टूबर के महीने में गूगल एंड्रॉयड 14 का जो स्टेबल है वो रिलीज करने वाला है, एंड मे बी उसी महीने मतलब अक्टूबर के महीने में भी सैमसंग भी अपना वन UI 6 का जो स्टेबल है वो रिलीज कर सकता है, जिसके बारे में मैंने कल वाले वीडियो के अंदर डिटेल में बात किया हूं। तो रह जाता है इसी मंथ, यस, तो इसी मंथ के मे बी एंड में हमें वन UI 5.1.1 का स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा। S21 FE और जो भी एलिजिबल डिवाइसेस है जिस फोन में भी ये वर्जन का अपडेट आएगा इसी महीने शायद हमें देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं अपना भी एक फीडबैक ऐड कर देता हूँ। तो सैमसंग के स्मार्टफोन्स में हमें दो मेजर अपडेट देखने को मिलता है। सबसे पहला तो जब भी किसी वर्जन का अपडेट आता है, जिस तरह से वन UI 5 का या फिर वन UI 5.1 का, या तो दो अपडेट बहुत ही नज़दीक ही हमें देखने को मिला, दो तीन महीने का फर्क है।
एंड बाकी जितने भी अपडेट्स सैमसंग की तरफ से हमें देखने को मिलता है सिर्फ एक सिक्योरिटी पैच का होता है, उसके अलावा और कोई भी नया फीचर्स हमें देखने को नहीं मिलता है। तो मे बी इस चीज़ को सैमसंग को थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहिए, एटलीस्ट 3 मेजर अपडेट देना चाहिए जिसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स को एटलीस्ट इंक्लूड करें, क्योंकि एक ही टाइप का UI, एक ही टाइप के फीचर अगर आप हर रोज देखोगे तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा। बाकी इस बार में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लेना। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास S21 FE 5G है तो टेलीग्राम के अंदर मैंने एक चैनल को क्रिएट किया हूँ, एंड मैं भी सोच रहा हूँ कि हर वीक उस चैनल के अंदर लाइव बातचीत किया जाए, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो अगर आप S21 FE 5G यूज़ कर रहे हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। आप लोगों का शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।